हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुल्लू गुगू ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आप सब कमेंट में ये बताइएगा कि आप सब ने कब कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया है। सो मैं 7 को कर रही हूँ। तो अभी दोपहर का 1:15 हुआ है और मैं नहा कर निकली हूँ क्योंकि आज का मुहूर्त है 4 बजे तक अष्टमी है, 4:15 तक। तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने ब्लॉग किया, स्टार्ट कर ली आप सबके लिए। और तो चलिए, मैंने कुछ अभी का सेटअप ऐसा कर दिया है। ये देखिए, मेरा सोफ़ा इधर आ गया, इस दरवाजे के पास आ गया है। ये जो डाइनिंग वाला एरिया है हमारा, उधर वाले वॉल पर आ गया है, ये देख सकते हैं। पहले उस वॉल पर रहता था जहाँ पर मैं अभी अपने लड्डू गोपाल को बिठाऊंगी। तो बस उतना डेकोरेट की हूँ, और भी डेकोरेट करना बचा है, अभी थोड़ा सा मैंने किया है। और यहाँ ये टेबल पे सारा सामान रखा हुआ है पूजा का, ये मैं सब कुछ यहाँ पे धो के रख दी हूँ। बस पूजा करना है, मैं नहा के निकली हूँ। तो उससे पहले थोड़ी कुछ कुछ काम करना है, जैसे मुझे अलता लगाना है। और एक और बात फ्रेंड्स, अलता लगाने से याद आया, मैंने सामने फ्लावर देखा। एक और बात, मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप सब पूजा करते हैं तो फूल नहाने से पहले तोड़ते हैं या नहाने के बाद तोड़ते हैं, और कौन सा तोड़ना ज़्यादा अच्छा होता है, सो नहाने से पहले या नहाने के बाद। मैंने तो आज तक जो भी वीडियो देखे हैं या फिर पंडित जी से भी जाना है तो यही जाना है कि नहाने से पहले फूल को तोड़ लेना चाहिए, और कभी भी फूल को धुल के नहीं चढ़ाया जाता है। तोड़िए और अपने पेड़ से डाल से तोड़ के लाइए और पूजा कर लीजिए। उसे कभी भी वो धुलना नहीं चाहिए, फूल को बिना धुले हुए फूल चढ़ाना चाहिए। तो मैं इसलिए नहाने से पहले फूल को अपने गार्डन से तोड़ ली थी। तो ज़्यादा फूल कुछ नहीं मिला, कनेर मिला, गुड़हल मिला, और ये वाइट वाला पता नहीं कौन सा फूल है, चंपा चमेली जो भी है वो है, और मैंने तुलसी पत्ता तोड़ा है। और यहाँ पर सब कुछ मेरे पूजा का सामान यहीं पर रखा हुआ है, जो भी फ्रूट है, जो भी सामान है लड्डू गोपाल की पूजा करने के लिए, वो सारा कुछ। तो मुझे अपनी फ्रूट है सबको धुलने जाना है, तो उससे पहले मैं अलता लगा लेती हूँ पहले, उसके बाद धुलूँगी, क्योंकि अलता थोड़ा सा सूखने में भी टाइम लेगा। तो मैं चलती हूँ, आप सब बने रहिए इस ब्लॉग में, काफ़ी इंजॉय कीजिएगा। तो फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सबको हमारे न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप सब इन्जॉय करते रहें फ्रेंड्स। और हमारे इंस्टा पेज पे भी जाके आप फॉलो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज का नाम है गुल्लू गुगू की दुनिया। तो ये पोस्ट, मैं अभी बहुत दिनों से फेसबुक पर एक्टिव नहीं हूँ तो मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। एक दिन मैं बैठूँगी तो सारा वीडियो फेसबुक पर अपडेट कर दूँगी, थोड़ा सा लेट जाएगा बट जाएगा। तो आप सब वहाँ भी देखिएगा, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, पहले चलती हूँ अपना, थोड़ा बहुत काम है, अलता लगाना है, फ्रूट धोना है, सब करके उसके बाद लड्डू गोपाल के लिए अभी बहुत सारे डेकोरेशन मुझे करनी है, तो वो मैं करूँगी क्योंकि 1:30 बज गया है। ये सब करते करते लगभग 2:30 बज जाएगा, उसके बाद पूजा करना है तो वो 4 बज ही जाएगा। पूजा करते करते मेरे को आसपास के लोगों को भी मैं बुलाऊँगी, थोड़ी देखती हूँ कौन कौन आते हैं। सो तो आगे देखने के लिए आप सब बने रहिए इस ब्लॉग में, अभी के लिए बाय। हे फ्रेंड्स, तो उधर देख सकते हैं मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए जो भी थोड़ा सा डेकोरेट करना था वो सब कर ली हूँ, और अब चलती हूँ रेडी होने। इधर भी सब सामान रेडी है पूजा वाला, तो बस मुझे रेडी होना है, तो मैं चलती हूँ रेडी हो लेती हूँ। इधर लड्डू गोपाल का कितना प्यारा लग रहा है ना, तो मैं चलती हूँ रेडी होके आती हूँ, उसके बाद लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुगू उधर गुस्सा है क्योंकि उसे ये सेल्फी स्टिक चाहिए, इसलिए वो गुस्सा है। बाकी मैं कैसे लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं भी जा रही हूँ पूजा करने, रेडी हो गई हूँ, और आज मैंने कुछ पंजाबी लुक ट्राई किया है मेकअप और हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग, बाकी ड्रेस कोई पंजाबी नहीं है। तो बाकी मैं चलती हूँ पूजा करने। हे फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए, सारे सामान को नीचे ले आई हूँ। इधर जो भी दिख रहा है आप सबको वो भोग है लड्डू गोपाल की, और इधर श्रेषी आई हुई थी अभी, तो मैं उसका भी थोड़ा सा सूट कर रही हूँ। बाकी आप सब पूजा का वेट कीजिए। हे फ्रेंड्स, तो ये है मेरे लड्डू गोपाल, और इनकी अभी स्नान करवाऊँगी मैं। तो चलिए, ये बड़ा सा ली हूँ कटोरा पित्तल का है, और ये उनका झूला है, कभी इसे रख देते हैं झूला हुआ है।
बाकी लड्डू गोपाल के स्नान कराते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल के स्नान कराऊंगी मध से, हनी। मध के बाद दही से स्नान करवाएंगे। इसके बाद ये दूध है, दूध से करवाएंगे। जो ये रहेगा वही पंचामृत बनता है। इसके बाद पानी से स्नान करवा देते हैं अपने लड्डू गोपाल की। और सबसे लास्ट में ये गंगा जल है, गंगा जी से स्नान करवा दी। और ये बन गया, यही पंचामृत है जो पंचामृत में खाया जाता है, ये वो पंचामृत बन गया है। स्नान तो हो गई, तो मैंने उनके लिए एक कपड़ा लिया था, रुमाल, जो इसे अच्छे से साफ कर देते हैं अब उनको। और उसके बाद अब इनकी ड्रेस पहनाएंगे और श्रृंगार करेंगे एक एक करके। हे फ्रेंड्स, तो अब कान्हा को तैयार करना है। ये उनकी ड्रेस है, ये उनकी सजावट की सामान है, तो मैं एक एक करके अभी रेडी करती हूँ अपनी लड्डू गोपाल की। तो ये उनकी आसनी है, सबसे पहले यहाँ पे आसनी लगा देती हूँ, बाद में उसे एडजस्ट करूँगी। और इसके बाद इनके कपड़े निकाला गया और पहनाया गया। तो ये देखिए, कल मैं लाई थी, इसमें इनकी सब कुछ है। तो सबसे पहले मैं इसमें से पैर वाला निकालती हूँ ताकि पैर वाला पहना पाऊँ। हे फ्रेंड्स, तो ये देखिए मेरे कान्हा रेडी हो गए। कैसे दिख रहे हैं मेरे कान्हा? और ये उनकी बाँसुरी नहीं अटक रही है, मैं वहाँ पे बिठा दूँगी ना अच्छे से, उसके बाद लगा दूँगी ये कान्हा को। तो आप सब भी मेरे कान्हा को हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलिएगा और राधे राधे कॉमेंट में लिखिएगा, हैप्पी बर्थडे कान्हा। हे फ्रेंड्स, तो राधा को रेडी करने के बाद मैं उनके पालने में उनको बिठा दी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे वो गौर गणेश बनाया था, क्योंकि हमारे पास गोबर नहीं थे, गाय के गोबर से गौर गणेश ऐसे बनते हैं तो हमारे पास नहीं थे। तो कसैली जो सुपारी बोलते हैं उसको गौर गणेश मैंने बनाया और पहले सबसे पहले उनकी पूजा की। मैं यहाँ पे वो माचिस दिखा रही थी भाभी को कि माचिस भी दीमक खा गया है। तो एक पहले गौर गणेश की पूजा कर ली, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कान्हा की पूजा कर रही हूँ। और इसे मैं ओवरवॉइस कर रही हूँ क्योंकि आप सब देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन उधर स्टैंड पे लगा था, मैं कुछ वीडियो उससे भी बनाई थी। तो कुछ कुछ हमारे पास वीडियोज नहीं थे, तो ये श्रेषी शायद रिकॉर्ड कर रही थी तो उसके पास था। तो मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ और ये श्रेषी की मम्मी आई थी पूजा देखने, और पापा भी उसके थे, और दादी नहीं आ पाई क्योंकि दादी उतना चल नहीं पाती हैं इसलिए। तो उसके बाद मैंने पहले लड्डू गोपाल की पूजा कर ली, उसके बाद यहाँ पे कान्हा की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि लड्डू सर कोई भी पूजा करने से पहले ना गणेश जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे गौर गणेश मैं बनाई थी उनका पहले की थी। तो पूजा ख़त्म हो गया था, अब कान्हा की भोग लगाने के बाद थी। तो ये इसमें सारा कान्हा का मन पसंदीदा प्रसाद मैंने बनाया लाया था, वो सारे मैंने रख दिए कान्हा के लिए अपने। और इसमें प्रसाद में मैंने लिखा रखा है 5 मेवा, कुछ फ्रूट्स है और लड्डू पेड़ा किशमिश, ये तो ड्राई फ्रूट भी बहुत सारे थे। उसके बाद अमरूद, सीजनल फ्रूट्स, अमरूद है, केला है, सेब है, नाशपाती है, और साथ ही साथ वो
मिश्री है जो कानों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इन सारी चीज़ों से पूजा की। आप सब कैसे पूजा करते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैं एक ना कान्हा को जन्माष्टमी की जो कथा होती है उसका अलग से एक वीडियो ले आऊँगी, वो सिर्फ उसमें वही रहेगा। और मैंने पूजा वजा करने के बाद यहाँ पे दीप भी जलाया, एक ये अखंड दीप जलाई थी जो पूरी रात जला के इसे छोड़ दूँगी, क्योंकि अखंड दीप 24-12 घंटा तो मिनिमम चलना चाहिए। तो मैं वहाँ पे 12 घंटे के लिए इसे यहीं पे छोड़ दूँगी। हे फ्रेंड्स, तो मैंने तो पूजा कर लिया था, तो यहाँ पे भैया भाभी भी व्रत पे थे, तो मैंने बोला कि आप भी पूजा कर लीजिए। वैसे तो वो घर पे पूजा कर चुके थे, तो मैं ये जो कैलेंडर था उनको पूजा करना अच्छे से भूल गई थी। मतलब पूजा की थी, टीका वीका मैंने भी लगाया था, बट वीडियो नहीं है। पर मुझे लगा कि प्रसाद मैंने चढ़ाई दी, तो मैं बोली भाभी को कि एक बार आप अच्छे से पूजा कर लीजिए इनका, और लड्डू गोपाल की भी कर लीजिए। पर भाभी की भैया बोले कि मैं कर चुका हूँ, तो बार बार नहीं करते। तो भैया भाभी की तो अच्छा भी लगा, दो लोग मिलकर करने तो पूजा भी अच्छा लगता है करने में। तो चलिए अब आगे देखिए आप सब। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारे जन्माष्टमी की पूजा ख़त्म हो गई है। देखिए हमारे यहाँ पे कान्हा विराजमान हो चुके हैं, उनके लिए कुछ बलून्स लगाए थे जो वो फूट भी गए हैं, डेकोरेट किए थे वो भी फूट गए हैं। बाकी मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, मैंने कान्हा से आशीर्वाद ले लिया है आप सबके लिए भी और अपने लिए भी। तो चलिए मैं चलती हूँ उस रूम में।